हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास सेवन का जो टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी लेसन नंबर थर्ड, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने हमारी बदलती पृथ्वी के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, भूकंप और उसके अलावा जो और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण जो बल थे, उसके बारे में अध्ययन किया है। आज हम उसी भूकंप के टॉपिक को आगे अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि भूकंप की प्रमुख तरंगे, भूकंप की प्रमुख तरंगे, इसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो भूकंप की प्रमुख जो तरंगे हैं वो मुख्य रूप से तीन भागों में बांटी गई हैं। पहली तरंग पी तरंग कह सकते हैं उसको, क्या कहते हैं? पी तरंग। पी तरंग का पूरा नाम क्या है? प्राथमिक तरंग। क्या नाम है बच्चों? प्राथमिक तरंग। अब इसका नाम प्राथमिक तरंग क्यों पड़ा वो भी पढ़ेंगे, इसके अलावा और कौन कौन सी तरंगे उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो धरातल पर उद्गम केंद्र से, उद्गम केंद्र से सर्वप्रथम अभिकेंद्र पर पहुंचने के कारण इस तरंग को पी तरंग, कोष्टक में लिख सकते हैं हम, प्राथमिक तरंग कहते हैं। तो पी तरंग क्यों कहते हैं, इसका कारण तो आपको पता चल गया। दूसरा, प्राथमिक तरंग ठोस द्रव्य और गैसीय अवस्था में गमन कर सकती है। याद रखना बच्चों जो प्राथमिक तरंग है वह धरातल के अंदर पाई जाने वाली तीन अवस्था, ठोस, द्रव्य और गैसीय, इन तीनों अवस्थाओं के अंदर क्या करती है? गति करती है। लेकिन एक बात याद रखना, ठोस, द्रव्य, गैसीय अवस्था में जाते समय थोड़ी सी इसके अंदर गति में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, लेकिन ये तीनों अवस्थाओं से ये गुजर जाती है। तीसरा, यह तरंग ध्वनि तरंगों की भांति गति करती है। यह तरंग ध्वनि तरंगों की भांति क्या करती है? गति करती है। अगला पॉइंट, इस तरंग की गति, इस तरंग की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग का मतलब प्राथमिक तरंग की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड धरातल के अंदर यह गमन करती है, याद रखना। फिर दूसरी जो तरंग है उसका नाम है बच्चों एस तरंग। इसको हम द्वितीयक तरंग या आड़ी व तिरछी तरंग के रूप में जानते हैं। एस तरंग भी कह सकते हैं, द्वितीय तरंग भी कह सकते हैं, आड़ी व तिरछी तरंग कहते हैं। इस तरंग को द्वितीयक तरंग कहने का मुख्य कारण
मुख्य कारण पीर तरंगों के बाद अधिक के अंदर पर पहुंचने के कारण कहते हैं। याद रखना बच्चों, इसको द्वितीय तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रारंभिक तरंग के बाद आती है, इसलिए इसको द्वितीय तरंग कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, एस तरंग केवल धरातल के ठोस अवस्था के अंदर ही गमन करती है, लेकिन जब द्रव्य अवस्था आती है तो यह अपना मार्ग बदल लेती है। जब बच्चों एस तरंग में ठोस अवस्था होती है तब तो यह गमन करती है, जैसे ही द्रव्य अवस्था आई तो इस तरंग द्वारा क्या कर लेती है, अपना रास्ता बदल लेती है या परिवर्तन कर लेती है। एस तरंग केवल या फिर अपने ऐसे लिख सकते एस तरंग अनुप्रस्थ रूप में गति करती है। किस रूप में गति करती है? अनुप्रस्थ रूप में गति करती है। याद रखना एस तरंग प्रकाशीय तरंगों की भांति गति करती है। एस तरंग किस तरंगों की भांति गति करती है? प्रकाश तरंगों की भांति गति करती है। अब अगले बिंदु की बात करें एस तरंग की और कौन सी विशेषता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, वो है इसकी गति। एस तरंगों की गति 3 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से पाई जाती है। एस तरंगों की गति कितनी पाई जाती है बच्चों? 3 से 7 किलोमीटर प्रति दर से। फिर एस तरंग की सबसे बड़ी विशेषता है, ये एस तरंग आड़ी व तिरछी रूप में भी चलती है। तो ये किसकी विशेषता हो गई बच्चों? एस तरंग। तो पहले हमने पी तरंग की विशेषता पढ़ी, फिर एस तरंग की विशेषता पढ़ी। अब हमारा तीसरी जो तरंग है वो है धरातलीय तरंग या फिर एल तरंग। धरातलीय तरंग को या एल तरंग को वही की बात है, कोई चेंज नहीं है, इसके दो नाम से इसको भी जानते हैं। अब धरातलीय तरंग के बारे में देखें तो यह तरंग धरातल की ऊपरी सतह भूपर पट्टी के ऊपर ही गमन करती है। ये तरंग धरातल की ऊपरी सतह भूपर पट्टी पर ही गमन करती है। यह तरंग पी व एस तरंगों की तुलना में
सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग है। ये जो तरंग है वो पी और एस तरंगों की तुलना में सबसे ज्यादा क्या है, विनाशकारी तरंग है। इस तरंग की गति, इस तरंग की गति 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड पाई जाती है, पाई जाती है। तो आपने देखा बच्चों कि जो सबसे तेजी से चलने वाली तरंग कौन सी है, पी तरंग। सबसे धीमी गति से चलने वाली तरंग कौन सी है, धरातलीय तरंग। सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग कौन सी है, धरातलीय तरंग। सबसे ज्यादा स्थल रूप के निर्माण वाली तरंग कौन सी है, धरातलीय तरंग। लेकिन बच्चों पी तरंग होती है वो सबसे तेजी से चलती है और उसकी जो गमन गति की दर के आधार पर देखा जाए तो बहुत ही कम विनाशकारी मानी जाती है। अब हम लेते हैं ज्वालामुखी। अब हम बच्चों लेते हैं ज्वालामुखी, दूसरा बिंदु कौन सा है, ज्वालामुखी। अब आपसे पूछ ले कि ज्वालामुखी क्या है, तो याद रखना बच्चों पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला गर्म मैग्मा जब धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है। देखो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला जो गर्म मैग्मा जब धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है, इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। तो आपको जो ज्वालामुखी का पता चल गया होगा, ज्वालामुखी किसे कहता है। अब आपसे पूछ ले मैग्मा क्या है, क्या पूछ ले बच्चों मैग्मा क्या है। तो आपको मैग्मा के बारे में मालूम होना चाहिए, मैग्मा क्या है। तो याद रखना पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला ज्वालामुखी का गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं, मैग्मा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला ज्वालामुखी का गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों, मैग्मा। ठीक है बच्चों, फिर एक शब्द आता है लावा। लावा क्या है, यदि लावे के बारे में बात करें तो याद रखना पृथ्वी के धरातल पर जब मैग्मा, पृथ्वी के धरातल पर जब मैग्मा आकर ठंडा हो जाता है उसे क्या कहता है बच्चों, लावा। तो आपको मालूम हो गया कि ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला हुआ गर्म मैग्मा, ठीक है, जो धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं, मैग्मा। लावा पृथ्वी के धरातल पर पाया, धरातल पर जब मैग्मा आकर ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लावा। अब हम लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार।
यदि ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो फर्स्ट प्रकार का ज्वालामुखी होता है वो है सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी बच्चों? सक्रिय ज्वालामुखी। यदि आपसे पूछे सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं तो परिभाषा लिखनी ऐसी ज्वालामुखी जिसमें मैग्मा लगातार बाहर निकलता रहता है। ऐसी ज्वालामुखी जिसमें मैग्मा बच्चों लगातार क्या होता है? बाहर निकलता रहता है। यदि इस सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण या एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल इटली का एटना ज्वालामुखी, इटली का एटना ज्वालामुखी। फिर हवाई द्वीप का मोना लोआ ज्वालामुखी, ठीक है। तीसरा सिसली द्वीप का स्ट्रोंबोली, स्ट्रोंबोली ज्वालामुखी। ये बच्चों किसके उदाहरण हुए? सक्रिय ज्वालामुखी। काफी बार सवाल आता है सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण बताइए, तो इटली का एटना ज्वालामुखी, हवाई द्वीप का मोनालोआ ज्वालामुखी, सिसली द्वीप का स्ट्रोंबोली ज्वालामुखी। नोट करके याद रखना बच्चों, सिसली द्वीप का स्ट्रोंबोली जो ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर का प्रकाश द्वीप कहलाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश द्वीप। यदि सवाल आ जाए भूमध्य सागर का प्रकाश द्वीप किसे कहते हैं, सिसली द्वीप का स्ट्रोंबोली ज्वालामुखी को कहते हैं। फिर अगली ज्वालामुखी है हमारी प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब यदि प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो सीधे से लिखनी है बच्चों ऐसी ज्वालामुखी जिसमें एक बार ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद, विस्फोट होने के बाद कई वर्षों से उसमें से ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, नहीं होता है, किंतु भविष्य में उस ज्वालामुखी में उद्गार होने की संभावना होती है, उसी को ही प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, ऐसी ज्वालामुखी जिसमें एक बार ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद कई वर्षों से ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, किंतु भविष्य में ज्वालामुखी उद्गार होने की क्या होती है? संभावना है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी की आपको परिभाषा पता चल गई, अब आप उसके लिखेंगे उदाहरण कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं।
तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का जो पहला उदाहरण है, जापान का फ्यूजी यामा, जापान का फ्यूजी यामा एक उदाहरण याद रखना बच्चों, फ्यूजी यामा एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण भी है। फिर इटली का विसुवियत ज्वालामुखी, विसुवियत ज्वालामुखी, ठीक है बच्चों। फिर इंडोनेशिया का प्राकाटोवा ज्वालामुखी, ठीक है बच्चों। तो ये किसके उदाहरण हुए, अपन के प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण भी है, याद रखना बच्चों, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण भी, याद रखना बच्चों। फिर ये इंडोनेशिया है बच्चों, विश्व का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला है, विश्व ज्वालामुखी में प्रथम स्थान रखता है, याद रखना प्रथम स्थान है इसका, ठीक है बच्चों। अब हमारी तीसरी जो ज्वालामुखी है वह है मृत ज्वालामुखी, तीसरी कौन सी होगी, मृत ज्वालामुखी। अब मृत ज्वालामुखी में लिखिए परिभाषा, ऐसी ज्वालामुखी जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद पुनः इसमें उद्गार होने की संभावना नहीं पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मृत ज्वालामुखी। ऐसी ज्वालामुखी जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद पुनः इसमें उद्गार होने की संभावना नहीं पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, मृत ज्वालामुखी। एग्जाम्पल की बात करें तो म्यांमार का माउंट पोपा ज्वालामुखी, म्यांमार का माउंट पोपा ज्वालामुखी, फिर अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी, ठीक है बच्चों। फिर ईरान का देवमंद व कोह सुल्तान। तो आप देख सकते हो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण कौन से हुए, म्यांमार का माउंट पोपा ज्वालामुखी, अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी, ईरान का देवमंद और कोहे सुल्तान ज्वालामुखी है, वो विश्व के मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो बच्चों आज अपने इस वीडियो के अंदर भूकंपीय तरंगे और ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के जो प्रकार थे उसके बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो के अंदर हम भूस्खलन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा नदियों, हिमालयों जो नदियां हैं उनके द्वारा निक्षेपित और अपरदित जो स्थल रूप हैं उनके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।